अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 1970s में एक गोल्ड प्रोड्यूसर कंपनी थी न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर के नाम से, जो कि गोल्ड की प्रोडक्शन करती थी। अब होता कुछ यूं था कि गोल्ड की प्रोडक्शन के बाद जो वेस्ट वाटर होता है उसको डिस्कार्ड करना होता है, लेकिन उसको डिस्कार्ड करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड किया जाता है। और अदरवाइज जहां उसको डिस्कार्ड किया जाता है लाइक इन ओशंस वगैरह, तो वहां पर एक्वेटिक लाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो उसको ट्रीट किए जाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इट इज इवन मोर एक्सपेंसिव देन द गोल्ड प्लांट इटसेल्फ। तो होता क्या था कि ये न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर कंपनी थी, गोल्ड तो प्रोड्यूस कर लेती थी, लेकिन जहां तक वाटर को ट्रीट करने की बात है वो ट्रीट किए बगैर ही डिस्कार्ड कर देती थी। न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर ने दो प्लांट्स लगाए, एक लगाया बेयूत बे में इंडोनेशिया के अंदर नियर टू द सी, और दूसरी तरफ मिनहासा बे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर थी उस टाइम पे, मिनहासा बे के करीब लगाया। और ये दो प्लांट्स लगा के इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब हुआ कुछ यूं कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो गोल्ड का था वो इसने डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर को एक नोटिफिकेशन गया, और इंडोनेशिया की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन गया न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर को। बदले में क्या हुआ, न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर ने $30 million ऑफर किए इंडोनेशिया को, और ये कहा कि चुप हो जाओ, हम लोगों को अपना काम करने दो। उन $30 million के बदले में इंडोनेशिया की इंडोनेशियन स्टेट बिक गई और उन्होंने न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर को काम करने दिया। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जब ब्राइब ऑफर की गई, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करते हुए यूएसए के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर के जितने भी एसेट्स थे उनको फ्रीज करवा दिया, और 45 days के अंदर अंदर न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर बैंकरप्ट हो गई। क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसीजंस ने मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दिया। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि आईआर के पेपर 1 का पार्ट है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मर्केंटलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, इसके अलावा डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस, न्यू मार्क्सिज्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा बाकी देख लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। जो स्टोरी आपको बताई उसका बेसिकली मकसद क्या था वो बताती हूँ। इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी हम स्टडी करेंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एंटिटी, काफी मरतबा मैं अपने लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ क्या होती है। स्टेट होती है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल एक्टर। और जहां तक इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टर मार्केट है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं हाउ मार्केट ट्रेंड्स अफेक्ट द स्टेट डिसीजंस एंड वाइस वर्सा। कभी हम लोग ये देखते हैं ना, आजकल भी बहुत ज्यादा बातें सुनने में आ रही हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, ऑयल प्राइसेस उनकी बहुत बात हो रही है। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से इन रिटर्न स्टेट्स अपने डिसीजंस को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली स्टेट्स के डिसीजंस चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट बात करती है टैक्स नेट को बढ़ाने की, तो एज अ रिजल्ट मार्केट के ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, मार्केट में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, फिर उन डिसीजंस का इन रिटर्न फिर से स्टेट के डिसीजंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो यही कि मार्केट ट्रेंड्स किस तरह से स्टेट के डिसीजंस को और स्टेट के डिसीजंस इन रिटर्न किस तरह से मार्केट डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं, ये डिसीजन और ये इनका आपस का टेंशन, ये सब डिस्कस किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रही थी न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर कंपनी का की स्टोरी, ये असल में ब्लूमबर्ग की एक फॉर्च्यून लिस्ट बना करती थी 1970s के अंदर। ब्लूमबर्ग पब्लिशर्स थे, ये फॉर्च्यून लिस्ट बनाया करते थे लाइक फॉर्च्यून 10, फॉर्च्यून 100, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से टॉप 10 कंपनीज का नाम लिखा करते थे, रेवेन्यू के हिसाब से टॉप 50 कंपनीज। तो ब्लूमबर्ग की फॉर्च्यून 50 लिस्ट में इस न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर का जिक्र था, और आप देख सकते हैं कि न्यूमोंट गोल्ड प्रोड्यूसर के डिसीजन ने यहां पे क्या था, मार्केट स्ट्रांग थी तो किस तरह से पॉलिटिकल एक्टर को इन्फ्लुएंस कर दिया, लेकिन इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या हुआ, पॉलिटिकल एक्टर स्ट्रांग था तो इन रिटर्न मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो इसी तरह से हम लोग ये चीजें डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर कि किस तरह से मार्केट्स के डिसीजंस स्टेट्स के डिसीजंस को और स्टेट्स के डिसीजंस मार्केट्स के डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मर्केंटलिज्म। तो चलें देखते हैं मर्केंटलिज्म क्या होता है।
मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेते हैं। मर्केंटलिज्म स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमिक मॉडल है, और जिन टीचर से मैंने पढ़ा वो कहा करते थे कि मर्केंटलिज्म का नाम सुन के मुझे भोला याद आ जाता है, क्योंकि उस ड्रामे का जो सॉन्ग था शाला तती वहां न लगे, उसमें क्या था कि भाई गर्म हवा न लग जाए। मतलब मर्केंटलिज्म इस बारे में है कि स्टेट की मार्केट्स को कहीं बाहर की हवा न लग जाए और स्टेट की मार्केट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब ये कि स्टेट्स खुद ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, चाहे उनको एक्सपोर्ट करें या फिर वो स्टेट के अंदर ही कंज्यूम हो जाए। अभी आगे डिटेल में देखते हैं कैसे। मर्केंटलिज्म के साथ एसोसिएटेड टर्म्स आप प्रोटेक्शनिज्म सुनेंगे, यानी कि स्टेट के मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना, स्टेट के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट ना होने देना, स्टेट के अंदर खुद ही इन्वेस्टमेंट करना, और स्पेशली स्टेट का खुद गवर्नमेंट का मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना। उसके अलावा बुलियनिज्म, बुलियनिज्म कहते हैं स्टेट की वेल्थ को इंक्रीज करने की बात। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म और इकोनॉमिक रियलिज्म भी इसके साथ टर्म्स एसोसिएटेड है, और समटाइम्स मर्केंटलिज्म को इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, या इकोनॉमिक नेशनलिज्म का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब कि स्टेट की प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने जो स्टेट के अंदर लोग हैं उनको इनकरेज करना कि स्टेट की बनाई हुई प्रोडक्ट्स खरीदो। और इकोनॉमिक रियलिज्म भी यही कि बाहर की इन्वेस्टमेंट को रोकना और स्टेट की ज्यादा से ज्यादा स्टेट के अंदर खुद बनाई हुई प्रोडक्ट्स को इनकरेज करना कि वो खरीदी जाए। करते क्या है, मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? मर्केंटलिज्म में बेसिकली स्टेट्स ये चाहती हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट की वेल्थ है, स्टेट्स हमेशा ये चाहती हैं कि स्टेट्स इंपोर्ट्स को कम से कम करें मर्केंटलिज्म के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और स्टेट्स एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और इंपोर्ट्स कम करें। उससे क्या होगा, ये इंपोर्ट्स से होने वाली जो स्टेट के रेवेन्यू है जो बाहर जाता है वो बाहर नहीं जाएगा, और इन रिटर्न जो स्टेट्स एक्सपोर्ट्स करेंगी एक्सपोर्ट्स की वजह से बाहर से रेवेन्यू आएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट स्टेट की ये वेल्थ मैक्सिमाइज होती चली जाएगी, और फिर स्टेट केपेबल होगी कि स्टेट इस वेल्थ को यूज कर सके ऑन सिक्योरिटी एंड ऑन मिलिट्री। सिक्योरिटी और मिलिट्री की बात करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसको हम इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहते हैं। तो मर्केंटलिज्म का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट की वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, चाहे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के चाहे इंपोर्ट्स को कम करके। अब इसके लिए स्टेट्स करती क्या है, स्टेट्स जंप इनटू द सेक्टर्स विद इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल और इंक्रीज्ड इंपोर्ट पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ, स्टेट्स ये करती हैं कि स्टेट्स अपने मार्केट्स को देखती हैं, वो ये देखती हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, या ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्ट का पोटेंशियल है। स्टेट खुद उस मार्केट के अंदर जंप कर जाती है और उस सेक्टर को एक्वायर कर लेती है। अब उस सेक्टर को एक्वायर करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टील बिजनेस है और स्टेट ये चाह रही है कि वो स्टील इंडस्ट्री प्राइवेटाइज्ड है और वो एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर सकती है, कर नहीं पा रही, और बदले में वो इतनी वीक भी है कि बहुत सारा स्टील इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो स्टेट क्या करेगी, अब स्टेट के पास, स्टेट कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं देखती, स्टेट ये नहीं देखती कि अब मेरे पास वो कंपैरेटिव एडवांटेज है कि मैं वो प्रोडक्ट बना सकती हूँ या नहीं, या मेरे पास स्किल्स हैं या नहीं। स्टेट बस उस बिजनेस को एक्वायर करना चाह रही होती है। उसके लिए स्टेट क्या करती है, स्टेट उस प्राइवेट बिजनेस के लिए इस तरह की पॉलिसीज बना देती है कि वो प्राइवेट बिजनेस उसको कैरी फॉरवर्ड ही ना कर सके। फॉर एग्जांपल टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा देना, स्टेट टैक्सेस इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि फिर होता कुछ यूं है कि वो जो उनकी यूनियन है उस बिजनेस की, उस इंडस्ट्री की, या उसके जो भी ओनर्स वगैरह हैं, वो स्टेट के पास जाते हैं और स्टेट से ये कहते हैं कि आपने टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, टैक्सेस को कुछ कम करें, कुछ पॉलिसीज को लिबरल करें हमारे लिए, ताकि हम लोग इजिली ऑपरेट कर सके। लेकिन स्टेट का मकसद तो उस बिजनेस को एक्वायर करना होता है। स्टेट कहती है कि नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। इन रिटर्न स्टेट मजीद स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर देती है। अगेन वो बिजनेस ओनर्स स्टेट के पास आते हैं, वो फिर कहते हैं कि आपने पॉलिसीज स्ट्रांग कर दी है, और स्टेट उनको बदले में ऑफर करती है कि अगर आपको ये पॉलिसी स्ट्रिक्ट लग रही हैं तो या तो आपको हमारी पॉलिसीज पे काम करना होगा या फिर आप ये बिजनेस हमें सेल कर दो। स्टेट उस बिजनेस को नेशनलाइज कर देती है। एंड होता क्या है, वो जो ओनर्स हैं उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता ड्यू टू ऑल द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑफ स्टेट, तो वो क्या करते हैं, वो उस बिजनेस को स्टेट को सेल कर देते हैं। तो स्टेट बेसिकली क्या टूल यूज करती है, एक्विजिशन का टूल
टूल यूज करती है कि उस बिजनेस को एक्वायर कर लिया, जब बिजनेस को एक्वायर कर लिया और वो भी एट अ लोअर कॉस्ट एक्वायर कर लिया, तो स्टेट सबसे पहले तो उस बिजनेस को हासिल करने में कामयाब होगी, उस इंडस्ट्री के ऊपर उस इंडस्ट्री को कैप्चर करने में कामयाब होगी। अब स्टेट के पास स्किल्स तो है नहीं कि किस तरह से बनाया जाए स्टील, अब स्टेट क्या करेगी, बिजनेस जब सेल हुआ तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए जो कि ऑलरेडी काम कर रहे थे उस प्राइवेट बिजनेस में। अब स्टेट उन लोगों को ही हायर करेगी जो ऑलरेडी प्राइवेटली काम कर रहे थे और ज्यादा सैलरीज हासिल कर रहे थे, स्टेट उन्हीं को कम सैलरी के ऊपर हायर कर लेती है। कम सैलरी के ऊपर क्यों हायर करके, वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो कम सैलरी के ऊपर भी स्टेट के पास काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, कम सैलरी के ऊपर स्टेट को लेबर भी मिल गया, अब स्टेट के पास स्किल्स भी आ गए और स्टेट ने स्टील बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टेट को वो बिजनेस सस्ते में पड़ा था एज कम्पेयर टू द रियल प्राइस, स्टेट को लेबर सस्ते में पड़ गया एज कम्पेयर टू द रियल प्राइस। ओवरऑल क्या होगा, स्टेट की उस स्टील बनाने के ऊपर कॉस्ट कम आएगी, जब कॉस्ट कम आएगी स्टेट उसको बाहर भिजवाएगी, उस बने हुए स्टील को जब बाहर भिजवाएगी तो बाहर की मार्केट में स्टेट अपनी प्राइस को कम रख सकेगी। जब प्राइस को कम रख सकेगी दूसरों के मुकाबले में, क्यों, क्योंकि स्टेट की अपनी कॉस्ट कम आई हुई है, उसके ऊपर स्टेट अपना जो डिजायर प्रॉफिट है वो रख के स्टेट उसको सेल कर सकती है। एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल स्टेट के अंदर बनने वाला स्टील, लेट्स सपोज 50 रुपीज उस पर कॉस्ट आई है, उसके साथ स्टेट ने 20 रुपीज अपना प्रॉफिट रखा है, तो स्टेट उसको 70 रुपीज में सेल कर सकती है बाहर की मार्केट में। इसी तरह से अगर हमारी कोई नेबरिंग कंट्री है, इंडिया है, चाइना है, सपोज उनकी कॉस्ट उन्होंने इस तरह से नेशनलाइज करके नहीं, हो सकता है उनका प्राइवेटाइज बिजनेस ही है और वो प्राइवेटाइज बिजनेस को एग्जाम्पल दे रही हूँ, चाइना के अंदर तो नहीं है प्राइवेटाइज, कोई और स्टेट है, इंडिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो प्राइवेटाइज्ड स्टील को ही अगर बाहर भेजना चाह रहे हैं और वो बुलियनिज्म नहीं कर रहे, वो नेशनलिज्म की, वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी कॉस्ट अगर आती है 60, उन्होंने भी प्रॉफिट अगर 20 ही लेना है, तो उनका स्टील बाहर मार्केट के अंदर 80 रुपीज का सेल हो रहा होगा। अब बाहर मार्केट में ज्यादा अच्छे से प्राइस के ऊपर कम्पीट कौन कर सकता है, वो स्टेट कर सकती है ना, जो ऑलरेडी प्रोटेक्शनिज्म के जरिए बिजनेस को एक्वायर कर चुकी है। तो स्टेट्स इस तरह की पॉलिसीज यूज करके अपनी कॉस्ट को कम से कम रख के बाहर की मार्केट में ना सिर्फ कम्पीट करने के काबिल हो जाती है, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट कम से कम रख के अपना डिजायर प्रॉफिट भी कमा रही होती है और साथ ही साथ अपनी कॉस्ट को भी कम रख रही होती है, यानी कि कॉस्ट कम्पेटिटिव चीजें बना के सेल कर रही होती है। दूसरी तरफ यही चीज अब अगर स्टेट अपने अगर अपनी ही स्टेट के अंदर देखा जाए, अपनी मार्केट्स के अंदर देखा जाए, तो स्टेट को यही 50 रुपीज में पड़ा इसकी कॉस्ट, उसके ऊपर 20 रुपीज प्रॉफिट करके स्टेट वही स्टील अपने अपने जो लोग हैं उनको सेल करेगी 70 रुपीज में। और फॉर एग्जांपल ये बाहर की किसी कंट्री से स्टेट के अंदर अगर आया है तो इसकी 80 रुपीज कॉस्ट होगी। स्टेट के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर स्टेट की अपनी बनी हुई प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस्ट कंपेटिटिव होगी, कम प्राइस में मिल रही होगी, तो लोगों को इंकरेज किया जाएगा, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे। तो मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी न किसी तरह से एक्सपोर्ट्स को, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सपोर्ट्स को कम से एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के इम्पोर्ट्स को कम से कम करके अपनी स्टेट की वेल्थ को इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा स्टेट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर देती हैं। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपनी मार्केट के अंदर स्टेट बाहर की कंपनीज के लिए कम कर देंगी, और वो इस तरह से कम कर देती हैं, स्टेट्स डिस्करेज कर रही होती हैं दूसरी बिजनेसेस को स्टेट के अंदर आने से और स्टेट के अंदर ऑपरेट करने से। इस तरह से जब दूसरे बिजनेसेस को ईज नहीं मिलती, जितना ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक स्टेट का हाई होगा उतना ही ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन मर्केंटलिज्म की पॉलिसी फॉलो करने वाली जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कम से कम करती हैं, ताकि बाहर की स्टेट्स आके इन्वेस्टमेंट ना करें और स्टेट के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं उनको स्टेट खुद रन करे, ताकि स्टेट कॉस्ट भी कम से कम कर सके और स्टेट अपने अपने जो लोग हैं उनको भी वही प्रोडक्ट सेल करके अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सके और वही प्रोडक्ट कम कॉस्ट में बना के उसको बाहर भी सेल कर सके और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। कुछ टूल्स हैं जिनमें एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, बाकी कुछ टूल्स हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन, के मर्केंटलिज्म को परस्यू करते हुए स्टेट्स क्या क्या टूल्स यूज करती हैं। ये कुछ टूल्स हैं जिन स्टेट्स के अंदर मर्केंटलिज्म ऑपरेट हो रहा होता है, मर्केंटलिज्म के जरिए स्टेट्स ऑपरेट कर रही होती हैं, उनमें यूज हो रहे होते हैं। सबसे पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर देना, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा है नेशनलाइजेशन कर लेना या फिर प्रोक्योरमेंट कर लेना प्राइवेट ओन बिजनेस को लो कॉस्ट के ऊपर, उनको प्रोक्योर कर लेना, उनको खरीद लेना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज है इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगा देना। अब स्टेट्स क्या करती हैं, हम लोगों ने यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी अभी रिसेंटली चल रही थी तो हम लोगों ने ये बात देखी कि कभी यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ्स बढ़ा रहा है, कभी चाइना टैरिफ्स बढ़ा रहा है,
इसीलिए ताकि दूसरी स्टेट्स की प्रोडक्ट्स आके आपकी मार्केट्स में सेल ना हो रही हो। क्यों? स्टेट्स यही चाह रही होती है हमारी वेल्थ बाहर ना जाए, चाइना के अंदर मर्केंटलिज्म ऑपरेट हो रहा है, तो हमने टैरिफ्स को बढ़ते हुए देखा। तो क्या होता है, स्टेट्स टैरिफ्स लगा देती हैं, टैक्सेस लगा देती हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट्स की प्राइसेस हाई हो जाए और बहुत कम लोग हों जो उनको एक्वायर कर पाए या फिर लोगों को ना एक्वायर कर पाए और लोग बदले में अपनी स्टेट की बनाई हुई प्रोडक्ट्स को ही खरीदें। उसके बाद सब्सिडीज लगा दी जाती हैं लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, सब्सिडीज देती हैं स्टेट्स, और सब्सिडीज इसीलिए देती हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स सस्ते में मिले, ठीक है। और सस्ते में जब मिलती है तो वो सब्सिडीज देने का असल में स्टेट को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि सब्सिडीज देने की वजह से लोकल प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा सेल हो रही होती हैं कि बदले में वो जो सब्सिडीज देने वाली कॉस्ट होती है वो भी प्रॉफिट्स में एक्वायर होकर वो इक्वल हो जाती है। तो इसलिए स्टेट ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडीज दे रही होती हैं। उसके अलावा जहां पे भी मर्केंटलिज्म ऑपरेट हो रहा होगा वहां पे आप देखेंगे वहां का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नेशनलाइज है। चाइना के अंदर मर्चेंट नेवी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और वो इसीलिए थी कि मर्चेंट नेवी खुद तो ऑपरेट कर रही है, साथ ही साथ चाइना की जितनी भी बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं वो, क्योंकि मर्चेंट नेवी नेशनलाइज है तो चाइना की बनी हुई प्रोडक्ट्स बाहर जा सके और चाइना की जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसमें चाइना को सेविंग हो के ओवरऑल कॉस्ट कम से कम पड़ जाए और चाइना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नेशनलाइज होगा ताकि स्टेट को अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना पे करनी पड़े और स्टेट्स की प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव हो जाएं। उसके बाद जहां पे भी मर्केंटलिज्म ऑपरेट होता है वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत ज्यादा फेवर किया जाता है। रीजन बीइंग कि बहुत जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा मार्केट होगी और मार्केट चीजें खरीद सकेगी, इन रिटर्न स्टेट की वेल्थ इंक्रीज होगी। ऑब्जेक्टिव यही है स्टेट की वेल्थ को इंक्रीज कराना, चाहे वो इनमें से कोई सा भी टूल यूज करके इंक्रीज करवाई जाए। एक और चीज जो पहले मैंने लिखी थी इकोनॉमिक नेशनलिज्म, उसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो कि इसको प्रमोट किया जाता है, इसीलिए प्रमोट किया जाता है ताकि स्टेट के अपने प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सके। जैसे कि हम कहते हैं बाय पाकिस्तानी, लिव पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी चीजें खरीदो, पाकिस्तान में बनी हुई है, पाकिस्तान में बनी हुई है, इस बात पे फखर करें और खरीदें। और इसी तरह से पेप्सी के बारे में काफी पहले एक प्रोपेगेंडा चला था, अगर आपको याद हो, कि पेप्सी स्टैंड फॉर पे एवरी पेनी टू सेव इसराइल, इस तरह की चीजें बाहर की प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट चला के और अपनी प्रोडक्ट्स के, अब अमेरिका के अंदर अमेरिकन चीजें खरीदो, द अमेरिकन प्रोडक्ट्स विच आर द बेस्ट, ठीक है, उनको खरीदो। तो इस तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आके, नेशनलिज्म डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग, कि अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा सुपीरियर बना के अपनी प्रोडक्ट्स के साथ नेशनलिज्म को एसोसिएट करके लोगों को इनकरेज किया जाता है कि अपनी स्टेट में बनी हुई ही प्रोडक्ट्स खरीदें। मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट आई होप के समझा पाई, और अगर नहीं कुछ समझ में आया तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसका बेनिफिट हो सके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।